हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी, आपका कैड इंस्ट्रक्टर सेंटर फॉर ई गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे लिमिट की, क्योंकि हमारी जूम इन जूम आउट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है ऑटो कैड में, तो वो हम किस तरह से सॉल्व आउट कर पाएंगे ये चीज़ हम देखेंगे। तो उससे जानने से पहले हम पेपर साइज़ के बारे में जान लेते हैं। पेपर साइज़, जैसे कई तरह के पेपर साइज़ आपने सुने होंगे, A4, A3, A2, A1, A0, लेकिन इनका साइज़ आपको मे बी मालूम नहीं होगा। अगर मालूम है तो बहुत अच्छा है। वैसे आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट चैप्टर में ये दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से मैं आपको इस चीज़ को रिवाइज करवा देता हूँ। A4 जो पेपर होता है, जो कि आप मोस्टली यूज़ लेते हैं, जो फोटोकॉपी करवाते हैं, वो A4 पेपर होता है। तो वो A4 पेपर क्या होता है, उसका साइज़ होता है 210 बाय 297 mm। यानी जिस तरफ से वो छोटा होता है वो 210 होता है, और जिस तरफ थोड़ा बड़ा होता है वो 297 mm होता है। इसके बाद आता है A3 पेपर। A3 पेपर जिस साइड से ये छोटा है उस साइड को जस्ट डबल कर दीजिए, यानी 420 बाय 297। यानी एक चीज़ वैसी की वैसी रहेगी, तो वो हो जाएगा 420 बाय 297। इसके बाद आता है A2। A2 में क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा रहेगा, यानी 420 एज इट इज़, एंड इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा 594, यानी 420 बाय 594 mm। अब आते हैं A1 में। A1 इसका डबल से जस्ट एक ज़्यादा। ये ISO स्टैंडर्ड्स हैं दोस्तों, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस एक याद करने के लिए है कि हम जस्ट डबल से एक ज़्यादा यहाँ पे लेते हैं। तो 841 बाय 594 mm। A0 में आते हैं, 841 एज इट इज़, एंड 594 का डबल होता है 1188, लेकिन यहाँ पे 1 mm यहाँ पे ही बढ़ जाता है, तो यहाँ पे होगा 1189 mm। तो ये कुछ पेपर साइज़ होते हैं जो कि आपके सामने दिए गए हैं। अब लिमिट, आपको जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं ऑटोकैड में, वो कुछ स्क्रीन से बाहर निकल जाता है, तो उसको किस तरह से स्क्रीन में लेके आना है वो चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो लिमिट क्या करती है वो देखते हैं। लिमिट सेट एंड कंट्रोल द लिमिट्स ऑफ द ग्रिड डिस्प्ले इन द करंट मॉडल और लेआउट टैब। जो भी लेआउट एंड करंट मॉडल टैब है उसमें जो ग्रिड्स डिस्प्ले है उसको कंट्रोल करती है, उस तरह से सेट करती हैं। तो ये कैसे करेंगे वो देखते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा LIMITS, टोटल कमांड आपको टाइप करना है और एंटर करना है। S भी लगाना ज़रूरी है, अगर LIMIT करते हैं तो वो कोई कमांड नहीं है, तो LIMITS एंटर करना है। सेकेंड स्टेप आपको करना है स्पेसिफायर लोअर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट, जो कि होगा 0.0, एंटर करना है। उसके बाद देना है आपको स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर पॉइंट, जो कि पेपर साइज़ होगा। अब उस पेपर साइज़ को कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे 210 कॉमा 297, एंटर करते ही वो लिमिट सेट हो जाएगी। उसके बाद आपको जूम ऑल और करना है, तो जूम ऑल के लिए आपको जेड एंटर ए एंटर करना है। तो ये करने के बाद वो पेपर साइज़ आपकी स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो जूम इन जूम आउट की प्रॉब्लम है वो नहीं रहने वाली है। तो ये लिमिट सेट करिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।